जय शनिदेव। जय शनिदेव। नाम बताएंगे जी आपका? सुरेश बहादुर सिंह। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से? ये मेरा भतीजा है। भतीजे को आप लेके आए हैं? भतीजे को पहले क्या होता था? भतीजे को पहले होता था, इसको बेचैनी होती थी और नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। आपने बोला कि सोए सोए कई कई दिन हो जाते थे। हाँ, कई कई दिन हो जाते। और बिना दवाई के नींद भी नहीं आती थी। और नींद भी आती थी, बताता था कि उसमें सपने आते रहते थे। उसमें भी सपने आते रहते थे। तो इसलिए कैसी नींद आती थी भाई पहले तेरे? सपने आते थे, सर भारी रहता था। और सर भारी रहता था। आप शनिधाम में कब आए? शनिधाम में पिछले शुक्रवार को। पिछले शुक्रवार को आए और ये आज शनिवार हो गया, यानी कि आज आपको 8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन में आपने क्या परिवर्तन देखा? बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा। जो ये सो नहीं रहा था, हाँ, वो तो हुआ ही हुआ। उसके अलावा इसमें फुर्ती भी थोड़ी लग रही है। अभी सोने की ज़्यादा वो कर रहा है। हम इसकी क्योंकि सोने की वो इसलिए कर रहा है, इतने दिनों से सोया नहीं है। हाँ। अब इसको नींद नींद आ रही है। हाँ। और वो भी बिना दवाई के। बिना दवाई भाई, बिना दवाई के सो पा रहा है? हाँ। नींद ठीक आ रही है? हाँ। बिना सपनों की आ रही है, गहरी नींद आ रही है। एक लगाम तो आपका ये हो गया, दूसरा फुर्ती आ गई इसमें, ठीक है ना? देखो अभी आपकी नेगेटिविटी कटना शुरू हुई है। जी। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी खत्म हुई है, लेकिन 8 बार में आपको इतना सुधार हो गया कि आप खुद को 70-80% ठीक महसूस कर रहे हैं। हाँ, कल चेकअप करवाया था दोबारा, जांच किया था तो बताया था कि 60% के आसपास ठीक हो गया। आराम तो पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि एक तरह गुरुदेव की कृपा है और शनि महाराज का आशीर्वाद है जो चल रहा है। गुरु जी से मैं मिला भी इसी बात पे, तो मैंने गुरु जी से कहा कि आप गुरु जी, मेरी तो इच्छा है कि ये जैविक चिकित्सा यूनिवर्सिटी बन जाए, जो मंत्र चिकित्सा है। हाँ, यूनिवर्सिटी बन जाए जिससे कि आपके बाद भी चलता रहे। वो तो हम लोग देखो धीरे धीरे तैयार कर ही रहे हैं। कितने साधकगण बैठे हैं अभी जी, कितने जी, लोग जप कर रहे हैं आपके सामने, तो ये ऐसे ही लोग तैयार हो रहे हैं गुरु जी के सानिध्य में, ठीक है? और जो इतनी भीड़, जो हजारों की भीड़ शनिधाम में आती है हर शनिवार रविवार, आपने कल की भीड़ भी देखी होगी शुक्रवार को, इतनी ही भीड़ हमेशा यहाँ पे रहती है और हजारों लोगों को आराम पड़ा है। ये तो 100% संतुष्टि मिली है और मेरी तो कोशिश रहेगी कि आपने जब आप यहाँ पे रुके थे जी, तो जी, रुकने का प्रोसेस आपको पता ही, आधार कार्ड की एक एंट्री होती है और जमा होती है, आपका नाम एड्रेस नोट होता है, सब इजी। तो यहाँ पे जो महिलाएं जो रुकती हैं वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, आपके माध्यम से आपने क्या देखा? यहाँ 100 से अबव मैं समझता हूँ सुरक्षित है। जितनी भी महिलाएं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो 2-2 महीने से यहाँ रुक रही हैं और लगातार ठीक होती आ रही हैं, उनकी कंडीशन महीने से भी रुक रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल, वो इसलिए रुक रहे हैं, उनको आराम पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कितने लोग तो ठीक होके यहीं जाना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते, गुरु जी के चरण में रहना चाहते हैं, मंत्र चिकित्सा सीखना चाह रहे हैं कुछ लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है भगवान की। तो डॉक्टरों ने आपको डॉक्टरों को आपने दिखाया था पहले? दिखाया था। डॉक्टर क्या बता रहे थे? साइकोटिक्स को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को आपने दिखाया था, जो मनोचिकित्सक होता है। हाँ, मनोचिकित्सक। तो उन्होंने इसको बताया कि केमिकल की अप डाउन है, वो केमिकल अनबैलेंस हो रहे हैं इसलिए इसको ऐसा हो रहा है, केमिकल अनबैलेंस इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपका केमिकल अनबैलेंस शनिधाम में ठीक हो गया बिल्कुल, वो भी बिना दवाई के? बिना दवाई के ठीक हो गया। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। तो आप जो मनोचिकित्सक के पास लोग जाते हैं, आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? हम ये देना चाहेंगे कि हमारी तरफ परेशान होने वाले सभी एक बार को यहाँ जरूर आएं, एक बार शनिधाम में जरूर दिखाएं, शनिधाम में जरूर उनके दिखाएं, शनिधाम के जो 8 हवन है वो अवश्य कराएं, अवश्य कराएं। 8 हवन या जहाँ दिशा निर्देश होता है यहाँ का, वो पूर्ण करके उसके बाद कहीं भी दिखाएं। मैं तो यही, आपकी चेकिंग वहाँ पे किसने की थी? बड़े से बाल है, बड़े से बाल है, गौतम भैया ने चेकिंग की होगी। गौतम सचिन भैया भी बैठे हैं वहाँ पे, वहाँ पे अभी चेकिंग करने वाले 4 लोग बैठे हैं, है ना? पहली बार की जो 4 लोग चेकिंग कर रहे हैं। आपको चेकिंग में पूरी संतुष्टि हुई थी जो उन्होंने बताया, ठीक बताया? हाँ, संतुष्टि हुई। ठीक, जय शनिदेव।